नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो दुसार और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। ये है एक खबर मज़ेदार सी, अजीब और गरीब सी। क्यों करते हैं लोग ऐसा शादी में? ऐसा नहीं करना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो एक खबर लाई है कि बारात में दूल्हे के फूफा को नहीं मिला पनीर तो शादी बन गई जंग का मैदान। दूल्हे के फूफा हो गए गुस्सा, जमकर चले लात घूसे लाठियाँ दोनों तरफ से, बुलानी पड़ गई पुलिस। ये खबर कहाँ की खबर है? ये हरियाणा की नहीं, उत्तर प्रदेश के बागपत एरिया के बागपत की। इस बारात में मचे बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं क्योंकि मामला है दूल्हे के फूफा के नाराज होने का। क्यों नाराज हो गए फूफा जी, इतना गुस्सा हो गए? बागपत की बात है, उत्तर प्रदेश के बागपत में एक अजीबोगरीब मामला ये सामने आया। यहाँ पर एक शादी हो रही थी, उस शादी के दौरान बारातियों में और दूसरे पक्ष के लोगों में दोनों तरफ से जमकर चले लात घूसे। लोग अपने घरों से लाठी डंडे लेकर एक दूसरे को पीटने पहुंच गए भाई, और पिटाई शुरू भी कर दी। जब मामला बढ़ गया तो पुलिस मौके पर पहुंच गई, उसने भी लाठियां बरसाई, तीन तरफ से चली थी लाठियां। कमाल है लाठी वाली शादी। इस वजह से शादी में जो झगड़ा हुआ काफ़ी दिलचस्प है। फिर शादी का क्या हुआ कुछ पता नहीं, इस पर हो नहीं पाएगी ये शादी। सच बात तो यही है। दरअसल बात यह कि बराती और दूसरे पक्ष के लोगों में झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि शादी में जो दूल्हा था उसके फूफा को पनीर नहीं मिला। पनीर वो उनको बहुत पसंद है, वो मिल नहीं पाया उनको। इसके बाद डीजे पर हुआ विवाद, डीजे के गाने भी पसंद आए, उन्होंने कहा बदलो चेंज करो, उन्होंने कहा नहीं बदलेंगे नहीं चेंज करेंगे। हो गई विवाद, विवाद से हो गई बढ़ गई बात, और बात बढ़ी तो फिर चले गई थाने तक। खूब जम के चले लाठी डंडे, वायरल हो रहा है वीडियो। इस वीडियो में दिख रहा है जम के चले हैं लाठी डंडे बागपत की इस बारात में। जो बवाल मचा था उसका वीडियो सोशल मीडिया पर सारी दुनिया देख रही है, वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं क्योंकि मामला है दूल्हे के फूफा के नाराज होने से जुड़ा हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि घराती और बाराती पक्ष में जमकर चल रहे हैं लाठी डंडे और बेल्ट से हो रही है मारपीट। इस झगड़े में तो एक शख्स के कपड़े तक फट गए। ऐसी वीडियो में थप्पड़ मारते हुए एक दूसरा शख्स नजर आ रहा है, जीव से धड़ाक। फूफा का वो अपमान तो बारात में घमासान, भाई साहब ऐसा होना तो नहीं चाहिए। क्योंकि जिसकी शादी थी, जो सपने देखा था शादी करने के, जो सपने देख रही थी शादी करने की, अब उनका क्या होगा? क्योंकि अभी शादी हो नहीं सकती, ये शादी नहीं हो सकती। एक सीरियल भी पहले आता था। खैर, गुराना गांव से बागपत आई थी बारात, आई थी गुराना गांव से, कहाँ आई थी बागपत आई थी। बताया जा रहा है कि बारात गुराना गांव से बागपत आई थी। गलती किसकी थी ये पता नहीं, गुराना गांव वालों की गलती थी, बागपत वालों की पता नहीं। पर दूल्हे के फूफा को गुस्सा आया। दूल्हे के फूफा और दूसरे रिश्तेदार जब खाना खाने के लिए पहुंचे तो उनको वहाँ पनीर नहीं मिला। बात जाहिर सी है, सही बात है, पनीर मिलना चाहिए, शादी है, शादी का मामला है, पनीर नहीं मिला दूल्हे के फूफा को तो गलत बात है ना। विवाद शुरू हो गया और दोनों तरफ से विवाद, बातचीत से, बहस बहस से, फिर उसका तकरार, तकरार से फिर मार तक पहुंच गया। इसी समय एक साथी ने कहा डीजे पर गाना बदलाओ, ये वाला गाना नहीं बजेगा। उससे कहा बिल्कुल बजेगा। शादी वाले लोगों ने जो बाहर से आए थे उन्होंने कहा बदलना पड़ेगा, तो सामने वाला नाराज़ हो गया और फिर उठ गए हाथ। हाथ भी उठे, घूसे भी चले, थप्पड़ भी चले हाथापाई के दौरान, फिर तो उसके बाद लाठी डंडे भी चलने लगे। घटनास्थल से पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में एक्शन लिया गया है, जांच करके सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ओहो, भगवान करे किसी की शादी में इस तरह की कोई भी बाधा न आए, क्योंकि लोगों के सपने टूट जाते हैं, बारात वापस लौट जाती है, वो भी थाने पहुंच जाती है, और ज़्यादा दुख की बात है। चलिए फिर आपसे मिलते हैं, करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।